जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हमारे पीएससी के अभ्यर्थी जो मेडिकल के लिए रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो पूरी बना चुका हूँ, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से नहीं चाहिए उसके बारे में पूरी वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वीडियोस के ऑप्शन में जाके वो आप लोगों के सामने वीडियो दे आएंगे, आप उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि उनके प्रारूप कैसे कैसे हैं, उनके प्रारूप की इमेजेस दिखाऊँगा आपको, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो प्रारूप है आपको कैसे लगाने हैं या कि उनके फ़ोटोज़ कैसी होंगी, इमेजेस कैसी होंगी, उसके बारे में आपको हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो ताकि आने वाली आपके मन में जो भी क्वेरीज हो आप वहाँ पूछ सकते हो, मैं नहीं तो कोई ना कोई आपको वहाँ पूछकर उनका जवाब दे ही देगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएससी से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ मैं डालूंगा उनकी अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है सबसे पहला जो चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि ग्राम प्रधान अगर आप गांव से हो तो आप लोगों को क्या है, एक आपके गांव का जो प्रधान होगा आपको उनके द्वारा क्या बनवाना है, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। चरित्र प्रमाण पत्र में देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ सामने ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रमाणित करता करती हूँ कि श्री श्रीमती, यानी कि आपको अपना नाम डालना है, नीचे आपने अपना सुपुत्र सुपुत्री या पत्नी श्री अगर शादी हो रखी है तो उनका नाम डालना है, निवासी ग्राम जहाँ के हो वहाँ का नाम डालना है, पोस्ट डालना है, थाना तहसील जनपद, ये जनपद डालना है। मैं इनको पिछले, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, मैं इनके पिछले ये खाली जगह और ये कम से कम आपको पिछले 6 महीने से तो जानते ही हो। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई भी बंदा तब बना सकते जब आपको चरित्र को वो पिछले 6 महीने से जानता है, और अगर आपके गांव के प्रधान है तो आप लोगों कम से कम भी 6 या 6 साल से जानते होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखवाने के बाद और यहाँ पर उनकी प्रधान जी की सिग्नेचर और उसकी मोहर जो होती है प्रधान जी की मोहर को यहाँ पर लगवा सकते हो, और आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण चरित्र प्रमाण पत्र कम्प्लीट हो जाएगा। तो अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं, अगला डॉक्यूमेंट है चरित्र प्रमाण पत्र दूसरा, ये कौन सा है, ये है 2 संभ्रांत व्यक्तियों वाला जो हम चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है, ऊपर नाम लिखना है, अच्छा अपना ग्राम पोस्ट थाना तहसील जनपद ये सब चीज़ें लिखनी है, वही चीज़ मैं इनको पिछले 10 वर्ष 10 माह के भली बात ही जानता हूँ, ये आपको लिखना है कितने दिन से जानते हैं ये। और संभ्रांत व्यक्तियों का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके अपने खास ना हो, यानी कि आपके सगे संबंधी ना हो, आपसे रिलेशन उनका ब्लड का ना हो, दूर के हों, आपके गांव के हों, जो आपको जानते हों लेकिन वो आपके कुछ लगते ना हो, उन लोगों से बनवाया जाता है। तो यहाँ पर आपने उनका नाम डालना है, पता डालना है, साइन सिग्नेचर हस्ताक्षर कराने, और यहाँ पर आपने उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। ये एक का पूरा हो गया, इधर दूसरे नंबर का नाम पता हस्ताक्षर मोबाइल नंबर, 2 बंदों के बनवाने होते हैं, एक को इस साइड पे आप लोगों को बनवा लेना है और एक का आप लोगों को इस साइड पर बनवा लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि संभ्रांत व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। चलो अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये रहा चरित्र प्रमाण पत्र, ये है जो आपको किन से बनवाना है, ये आप लोगों को बनवाना है गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं हमारे, गजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। कौन होते हैं गजेटेड ऑफिसर, किसी भी स्कूल के जो क्या बोलते हैं प्रधानाचार्य होते हैं वो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं उनसे, या फिर किसी भी पशु चिकित्सालय के जो डॉक्टर होते हैं आप लोग उनसे भी बनवा सकते हैं। वो भी क्या है, वो ऐसा होगा जब आप उन लोगों के पास जाएंगे और वो आपको पहली बात तो यही कहेंगे, अगर आप उनको जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उनको जानते हो नहीं तो वो यही कहेंगे कि मैं कोई डॉक्टर है मान लो पशु चिकित्सालय का, वो कहेगा कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ मैं कैसे बना दूँ। तो आप अपने गाँव में किसी की भी बात उनसे करा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात करा सकते हैं जो उन्हें जानता हो और तुम्हें भी जानता हो, बीच में कॉमन हो, तो वो इस चीज़ से मान जाते हैं। इससे सेम चीज़ें यहाँ पर डाली जाएंगी वही जो मैंने पीछे बताई हैं, और कम से कम वो 6 वर्ष से ज़्यादा लिखवाएं उनसे, 6 महीने से ज़्यादा से जानते हैं ये लगवाएं, और यहाँ पर उनकी क्या आ जाएगी, उनकी मोहर आ जाएगी और उनका साइन हो जाएगा, और यहाँ पर दिनांक डलवा ले, ये हो जाएगा गजेटेड ऑफिसर से। इसके आपको 2 बनवाने होते हैं, किसी से भी 2 बनवा लें, 1 से 2 नहीं बनवाने, अलग अलग 2 गजेटेड ऑफिसर से 2 बनवाने होते हैं। चलो अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप लोगों का शपथ पत्र का प्रारूप, जो आप लोग शपथ पत्र बनवाते हो, जो शपथ पत्र बनता है ये उसका प्रारूप है। इसमें क्या होता है कि इस शपथ पत्र के पूरे प्रारूप को एक स्टाम्प पे छपवाना होता है, टाइपराइटर से छपवा लो। मैं आप लोगों को पूरा, जब इसकी पूरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग क्या कराना है, क्योंकि टाइपराइटर से अगर हम छपवाते हैं तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, इससे गलती का तो हमें कोई ऑप्शन रखना ही नहीं है। तो इसे टाइपराइटर से ना छपवा के मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो एक बार देख लीजिए, ये शपथ पत्र का प्रारूप है, इसमें आपने वही सेम चीज़ें
सेम चीज़ है इसमें, ऐसे ही है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर लगभग अपनी उम्र लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर मांगी है, मकान नंबर, तहसील, ज़िला, यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। इसका जब शपथ पत्र बनाने का एकदम से नंबर आएगा, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जो इसमें क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो मुझसे खुद इसमें हो गई थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ करें। यहाँ सिर्फ मैं प्रारूप दिखा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि शपथ पत्र कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनवाना है, क्योंकि जब हम मेडिकल के लिए बिन्नौर से मेडिकल के लिए गए थे तो 85% लोगों का शपथ पत्र गलत था, जिन्हें अगले दिन आकर देना पड़ा था। तो ऐसी गलती ना करें कि अगले दिन हमें आना पड़े। तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो और ये आप लोग नीचे पढ़ सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी आपके शपथ पत्र ऐसा आएगा। और कैसा स्टाम्प पर, ये स्टाम्प पे इस तरीके से आपको एक स्टाम्प मिलेगा, स्टाम्प के ऊपर आप लोगों को इसको पूरे के पूरे प्रारूप को छपवाना होता है। ये आपका शपथ पत्र कंप्लीट हो जाता है। शपथ पत्र के ऊपर आगे हम पूरी एक वीडियो भी बनाएंगे। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक आप लोगों को जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल से लेना पड़ता है, अपनी ट्वेल्थ की या फिर अपने ग्रेजुएशन की, जहाँ भी आपने बाद में किए, जहाँ भी आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल रखी है उसके लिए बनवाना होता है, वहाँ से आप स्कूल से अपना ला सकते हैं, सबको पता ही है उसके बारे में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं जितनी सटीक इन्फॉर्मेशन हो सक रहा है आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता हूँ, जितनी भी सटीक इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। इससे आपका फ़र्ज बनता है कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन नहीं होगी तो अच्छी वीडियो नहीं बनती, रिसर्च करने का मन नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।